और अब खबर मुंबई हिट एंड रन मामले से जुड़ी हुई है, जहां आरोपी मिहिर शाह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बेहद ही चौंकाने वाला पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना से पहले आरोपी मिहिर शाह ने 4 लार्ज पैक विस्की और करीब 2 लीटर बियर पी थी, यानी कि ये इस बात को पुख्ता कर रहा है कि शराब के नशे में ही उस वक्त ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ वो हुआ। इस सूत्रों के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है मिहिर शाह जो कि मुख्य आरोपी है, उसने 4 लार्ज पैक विस्की और करीब 2 लीटर बियर पी थी। मुंबई हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बेहद चौंकाने वाला पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त आरोपी मिहिर शाह नशे में पूरी तरह से धुत था। घटना से पहले मिहिर ने 4 लार्ज पैक विस्की और 2 लीटर बियर पी थी। पहले जुहू इलाके में दोस्तों के साथ मिहिर ने 4 लार्ज पैक विस्की के पिए, फिर जुहू से ड्राइवर के साथ मरीन ड्राइव घूमने के लिए निकल गया था। बीच रास्ते में एक बार से 4 बियर की बोतल उसने खरीदी। ड्राइवर के बियर पीने से इनकार करने पर मिहिर ने चारों बियर की बोतल अकेले ही पी ली थी। ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है, खुलासा हुआ है और ये इन्वेस्टिगेशन की बहुत अहम कड़ी होने वाला है। और इसी मुंबई हिट एंड रन केस में कोर्ट ने आरोपी मिहिर शाह के ड्राइवर राज ऋषि को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने पहले मिहिर से उसके ड्राइवर को सामने बैठाकर पूछताछ की है और पूछताछ में दोनों ने कई बड़े खुलासे कर दिए। पुलिस के मुताबिक मिहिर शाह ने पूछताछ के दौरान ये माना है कि उससे बड़ी गलती हो गई है। मिहिर ने पुलिस के सामने ये भी मान लिया कि कार के बम्पर पर फंसी महिला थी, लेकिन उसे वो दिख नहीं पाई, क्योंकि आरोप ये था कि टक्कर मारने के बाद उस महिला को कुछ दूरी तक घसीटा गया है और इसी पर बहुत बड़ा कबूलनामा भी सामने आया है। मिहिर शाह ने मान लिया है उससे गलती हुई है और ये कहा कि कार के बम्पर पर वो महिला फंस गई थी, लेकिन उसे वो महिला दिखाई नहीं दी। उत्तराखंड